आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर स्क्रिप्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैम हमें स्टार्टिंग में दूध ब्रेस्ट में था, लेकिन बच्चे को हम किसी कारणवश दूध नहीं पिला पाए, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाए, तो अब दूध आना भी बंद हो गया। इसमें कई कंडीशन होती है, या तो बच्चे को ऐसी कोई समस्या रही हो जिसकी वजह से आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाई हैं और दूध आना बंद हो गया है, या फिर आपके ब्रेस्ट में कोई ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाई हैं और दूध आना बंद हो गया। तो किन किन वजहों से ये दूध आना बंद हो जाता है, किस तरह से आप उसे समझ सकती हैं और क्या कुछ आप उपाय कर सकती हैं, एक ये क्वेश्चन मैं इसमें इसका आंसर दूंगी। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि मैम दूध हमें आ रहा था, हम बच्चे को पिला भी रहे थे, अचानक से दूध आना ही बंद हो गया है, तो ये क्या होता है, और इसके साथ ही बच्चा अचानक से दूध पीना छोड़ देता है, इसके विषय में भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ जाएगी तो इसे औरों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। अगर आपकी डिलीवरी के बाद में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हैं, आपको ब्रेस्ट में मिल्क भरपूर है, वो पता कैसे चलता है? या तो आपके ब्रेस्ट में से दूध निकल रहा है, या फिर आपको ब्रेस्ट जो है वो भारी महसूस हो रहा है और गर्म भी है, तो जिससे कि पता चल जाता है कि नहीं, ब्रेस्ट में दूध भरपूर मात्रा में है। अब बच्चे को कुछ हो गया हो, या फिर बच्चा उस समय ब्रेस्ट फीडिंग करने में सक्षम न हो, या फिर आपकी सिजरियन डिलीवरी हुई है तो आप बैठ नहीं पाए, जिसकी वजह से कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाई हैं और बाद में आपका दूध आना ही बंद हो गया, तो इसके लिए देखिए, अगर आप पहले ही इस वीडियो को देख लेती हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि जिस समय आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हैं, आपकी अभी डिलीवरी हुई है, तो इसमें करना क्या है, आप मान लीजिए बैठ के नहीं पिला सकते हैं, आपकी सिजरियन डिलीवरी हुई है, आपको ऐसी कोई समस्या है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है हाथ के जरिए ज़रूर निकाल देना। हाथ के जरिए मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाथ से निकालने से जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई होती है वो बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर निकालती ही रहिए, लेकिन दिन में कम से कम एक या दो बार जरूर निकाल दीजिए। किस तरह से आपको निकालना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, इस वीडियो में भी मैं थोड़े में आपको बता दे रही हूँ। मान लीजिए जैसे कि ये ब्रेस्ट है, तो आपको इस तरह से जो एलोरा का भाग होता है, ब्लैक ब्राउन भाग होता है, वहाँ पर इस तरह से पकड़ना है, और निपल के ऊपर वहाँ पर आपको हल्का सा इस तरह से जब आप दबाव देंगे तो थोड़ा थोड़ा दूध निकलेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप पूरा ब्रेस्ट खाली ही करिए, पूरा दूध निकालिए ही, जबकि आप थक गई हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, पूरा न सही, थोड़ा थोड़ा निकालिए। इससे क्या होगा, जो छिद्र हैं ब्रेस्ट के, निप्पल के जो छिद्र हैं, जो छेद होते हैं, वो बंद नहीं होंगे। वो बंद कैसे हो जाते हैं, इसे भी समझना ज़रूरी है। देखिए, जब हमें कभी चोट लग जाती है, जैसे देखिए इस समय मुझे दीपक लगाते समय थोड़ा सा इस तरह से मुझे चोट लग गई थी, यहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा हल्का सा स्किन जो है वो कट गई है, क्योंकि जो दीपक लगाते समय मैं यहाँ पर लग गया मुझे, तो इससे क्या हुआ, यहाँ की स्किन पर फफोले आ गए और फिर वो फूट गए, तो इस तरह से यहाँ पर से स्किन हट गई है। और ये 3-4 दिन या 5 दिन में, या तो मैं इसके ऊपर जो जख्मी रूज मैंने हमेशा के लिए एक क्रीम रखा हुआ है वो लगाती हूँ, चाहे मैं जलूँ कटूँ भूजूँ चाहे जो कुछ भी हो मेरे साथ में, तो मैं वो लगा लेती हूँ, बचपन से लगाती आई हूँ, वो मुझे बहुत सूट करता है और बहुत जल्दी ये भर जाता है। रात को सोते समय मैं लगाती हूँ तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, क्योंकि उसमें हम कोई काम नहीं करते हैं तो ये भीगता नहीं और जल्दी से सूख जाता है। कभी कभी मैं यूं ही स्किन में थोड़ा सा दरारे कट गई या फिर छिल गया तो यूं ही सूख जाता है, कभी कभी बड़ा लग जाता है तो हमें या तो फिर जैसे कि सिलाई की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी कर देते हैं डॉक्टर, या फिर कोई क्रीम जो है ट्यूब जो है हमें दे देते हैं डॉक्टर, और उससे फिर वो घाव भर जाता है, यानी कि जो होल हुआ है वो भर जाता है। लेकिन
कभी कभी छोटा सा जो होल रहता है उसके लिए कुछ नहीं करते, जैसे कि इतना सा किसी को लग जाता है तो लोग उतना ज़्यादा नहीं करते, कुछ लोग बैंडेज लगा लेते हैं, कुछ लोग क्रीम लगा लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ही रहने देते हैं, बस सूख जाता है। तो जो ब्रेस्ट के निप्पल के छेद होते हैं, मेरे इतना बताने का यही से तात्पर्य है कि आपको समझ में आ जाए, जो ब्रेस्ट के निप्पल के छेद होते हैं वो भी अंदर से बंद हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर स्किन चढ़ जाती है। स्किन आपको इतना तो समझ में आ गया कि जख्म लगता है वो भर जाता है, मतलब कि स्किन जुड़ती है। तो इसी तरह से आपके ब्रेस्ट का जो वो नस है जहाँ से कि दूध निकलना शुरू हो रहा है जब आपकी डिलीवरी हुई है, अगर आप दूध लगातार नहीं पिलाती हैं तो वो जो है नस धीरे धीरे बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा दूध आपको निकालते रहना है। पूरा नहीं निकाल पा रही हैं, ज़्यादा नहीं निकाल पा रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिन में 1 या 2 बार ज़रूर निकाल दीजिए, ताकि वो नसें जो हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक ना हो जाएं, वो छेद जो है वो पूरी तरह से चमड़ी से ढक ना जाए, छेद बना रहे। क्योंकि देखिए जिस समय हम ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट करते हैं उस समय वो छेद रहते हैं, हमें भी दिखाई देते हैं, ब्रेस्ट के निप्पल पे हल्के हल्के होल जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है उस समय आप जब देखेंगी तो वो होल जैसा जो रहता है वो नहीं दिखाई देता, वहाँ पर स्किन चढ़ जाती है और थोड़ी फुली फिर से दिखाई देती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देता है जब, तो आपके ब्रेस्ट के निप्पल पर स्किन फिर से उसी तरह से चढ़ जाती है और वो जो छेद हैं वो सब बंद हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका बच्चा किसी कारणवश आपका ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता डिलीवरी के बाद में, तो फिर क्यों बाद में दूध आना बंद हो जाता है, क्योंकि नसें भी अपनी जगह पर सुस्त हो जाती हैं, दिमाग को किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं जाता है कि दूध का उत्पादन करना है, दूध बनाना है। इसके साथ ही जो छेद होते हैं उस पर भी स्किन चढ़ जाती है और इसकी वजह से वो छेद भी पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, और आपको यही नहीं होने देना है। आपको थोड़ा थोड़ा दूध निकाल करके दिमाग तक ये सिग्नल देना है कि थोड़ा थोड़ा दूध निकलता रहे, पहली बात। दूसरी बात, वो जो नस है वो पूरी तरह से एकदम से ब्लॉक ना हो जाए, वो छेद हैं वो पूरी तरह से स्किन से ढक ना जाए, ये आपको करके लेना है। अब ये तो हो गया कि आपकी डिलीवरी के बाद में आपको ब्रेस्ट में मिल्क था, धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने आपका ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया और फिर आपका दूध आना ही बंद हो गया है। तो इसके लिए आपको शुरू से स्टार्टिंग से ही करना है, आपका दूध थोड़ा थोड़ा हाथ के जरिए निकालती रहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा आपका ब्रेस्ट सक कर सकता है, पी सकता है, तो फिर और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा जब मुँह लगाता है तो ये नेचुरल होता है कि पूरी तरह से वो जो दिमाग है वहाँ पर सिग्नल जाता है और दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बंद नहीं होती है, दूध नसों में उतरता रहता है, दिमाग को सिग्नल जाता रहता है कि बच्चा दूध पी रहा है, दूध और बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में दिया हुआ बताया हुआ कि इस तरह से बच्चा जब निप्पल को पकड़ता है तो दिमाग को सिग्नल जाता है दूध बनाने के लिए। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो पूरी तरह से जैसे कि सुस्त हो जाता है ऐसा नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत दूध निकलता रहेगा ब्रेस्ट से तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एक्टिव रहेगा और आपके ब्रेस्ट में से दूध ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए ये आपको करके लेना है। अगर आपने ये वीडियो उसमें नहीं देखा है तब आप क्या करें कि आपके ब्रेस्ट में जो दूध आना बंद हो गया है वो फिर से स्टार्ट हो जाए। उसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये कि आपका बच्चा आपका ब्रेस्ट पकड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आपका बच्चा आपका ब्रेस्ट पकड़ता है तो थोड़ा बहुत भी वो सक कर लिया, अगर मुँह लगा लिया, तो फिर दिमाग को अपने आप सिग्नल चला जाता है कि बच्चा दूध चाहता है और फिर वो दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है, एक्टिव होने लगता है। इसके अलावा आपको ऑयल लेना है, ऑयल को थोड़ा हल्का गर्म करना है और ब्रेस्ट की इस तरह से अच्छी तरह से मसाज करना है, अपने निप्पल को हमेशा इस तरह से दबा दबा करके थोड़ा बहुत भी अगर एक बूंद एक ड्रॉप भी दूध आ जाता है तो आप उसे लगातार इस तरह से दिन में जितना टाइम पाती हैं करती रहिए, ताकि वो दूध जो है वो निकलने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट रहे, शुरू रहे और फिर धीरे धीरे वो दूध बनना बढ़े, यानी कि थोड़ा एक ड्रॉप आया फिर 2 ड्रॉप आया, एक ड्रॉप भी आता है तो आप उसे निकालती रहिए ताकि वो दूध बनने की प्रक्रिया बंद ना होने पाए। ये आपको अगर जैसे कि आपने बाद में वीडियो देखा है आपका ऑलरेडी बंद हो चुका है तो आपको ये करके लेना है कि मालिश करना है, तेल को हल्का गुनगुना जरूर कर लीजिएगा। तेल आप कोई भी ले सकती हैं, कोकोनट ऑयल ले सकती हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकती हैं, ऑलिव ऑयल ले सकती हैं,
जो आपको मतलब ठीक लगे कि हाँ ये मैं यूज कर सकती हूँ, आपको उससे किसी तरह का कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसे यूज कर सकती हैं। सिर्फ आपको उस ब्रेस्ट को मालिश करके वहाँ से दूध निकालना है, इतना ही करना है। तेल इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि आपका स्किन जो है वो थोड़ी चिकनी रहे, ताकि तेल लगा करके जब आप करेंगे तो स्किन जो चिकनी रहेगी तो आपको ब्रेस्ट में कटेगा छिलेगा नहीं। अन्यथा अगर आपने वैसे ही किया तो आपकी स्किन जो है वो खरोच आ सकती है या फिर कट छिल भी सकता है, क्योंकि आप हाथ से निकाल रहे हैं। बच्चा जो पीता है वो नेचुरली है, नेचुरली प्रोसेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब हम अननेचुरल तरीके से कोई भी काम करते हैं तो उससे प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इसके लिए आपको ये करके लेना है ताकि दूध बनना जो बंद हो चुका है वो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाए और आपके ब्रेस्ट में दूध बनने की प्रक्रिया जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाए और दूध निकलना शुरू हो जाए। ये तो हो गई वो कंडीशन जब आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई हैं या फिर बच्चा नहीं पी पाया है और दूध बाद में नहीं आ रहा जबकि पहले आ रहा था। अच्छा, इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि बाद में दूध आ तो रहा है लेकिन उसका जो फ्लो होता है, यानी कि चार पांच ऐसे धाराएं निकलती हैं दूध की ब्रेस्ट में से, वो कम हो गई, यानी एक दो जो छेद हैं वही एक्टिव हैं, बाकी के जो छेद हैं वो बंद हो चुके हैं। तो उससे करने के लिए बराबर आपको वही करना है, मालिश करके आपको पूरा एलोवेरा का भाग दबाना। देखिए, जब कोई चीज़ बंद हो जाती है, जैसे कि नल ही है अगर वो ख़राब हो जाती है, तो उसे जब हम बनवाते हैं उसके छेद जो हैं वो पूरी तरह से खुलते हैं, अगर ब्लॉक हो गए हैं तो फिर उसमें से जो धारा होती है वो अच्छी तरह से निकलती है। इसी तरह से आपके ब्रेस्ट में एक दो जो छेद होता है उस पर स्किन जम जाती है, चढ़ जाती है और इसकी वजह से जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो उसे करने के लिए आपको वही करना है, बच्चे को फर्स्ट आप पकड़ाइए ब्रेस्ट, क्योंकि बच्चा अगर सब करना शुरू कर देगा तो अपने आप फ्लो जो है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ स्किन जम चुकी है फिर से चढ़ गई है होल के ऊपर और होल बंद हो गया है वो फिर से खुल सकता है। लेकिन बच्चा अगर लगातार पीता है तो, अगर बच्चा नहीं पीता है तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हैं आर्टिफिशियल तरीके से कि आप ब्रेस्ट को मालिश करिए और मालिश करने के बाद में आप एलोरा के भाग की जगह पर दबाइए, ताकि अगर स्किन हट सकती है तो हट जाए। मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगी कि हट ही जाएगी, लेकिन अधिकांश ऐसा देखा गया है कि महिलाएं अगर बाद में कोशिश करती हैं तो उनका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो सप्लाई बराबर हो जाती है। अच्छा, सप्लाई कभी कभी शाम के समय में कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे इवनिंग का टाइम होता है वैसे वैसे मिल्क की सप्लाई अक्सर महिलाओं में बंद होती है, क्योंकि उनके हार्मोन जो होते हैं वो धीरे धीरे सुस्त पड़ जाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ना हो तो आप भरपूर विटामिन वाली चीज़ें लीजिए। शाम के समय में हल्का गर्म दूध या फिर गर्म कॉफ़ी ले सकते हैं, अगर बच्चा बड़ा हो गया हो तो ही कॉफ़ी लीजिए, नहीं तो फिर दूध लीजिए, पीला दूध, तो ये करके लीजिए। अच्छा, इसमें जैसे कि कई बार मुझे क्वेश्चन आए हैं कि बच्चा दूध पीता था और दूध बहुत अच्छा होता था और अचानक से दूध आना ही बंद हो गया है, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, उसमें मैंने बताया कि अचानक से आपके ब्रेस्ट से दूध आना बंद हो जाना या फिर बच्चे का दूध पीना छोड़ देना, इसमें कई कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कि आप कहीं बाहर गई हैं, किसी चीज़ को आपने लांग दिया है और उसकी वजह से, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस पर विश्वास करिए ही, मैं भी नहीं करती थी। मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं घटी जिसमें मेरी डिलीवरी हुई थी, तो मेरी अपनी फ्रेंड ने मुझे उसमें सुझाव दिया कि ऐसा ऐसा करो और मैंने करके लिया तो मुझे फ़ायदा हो गया। मैंने भी कई लोगों को ये सुझाव दिया, उन्होंने भी करके लिया, उन्हें भी फ़ायदा हो गया। तो इसके लिए छोटे में मैं इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि आप कभी किसी चीज़ को अगर लांग जाती हैं, ये हमारा हिंदुस्तान जो है यहाँ पर बहुत से टोने टोटके होते हैं, बहुत से लोग बाहर कुछ भी ऐसे नींबू वगैरह फेंक करके रखते हैं, तो उसके आप अगर क्रॉस कर देती हैं तो आपको ये समस्या हो जाती है। बच्चा भी कभी कभी इन्हीं कारणों से छोड़ देता है, या फिर नज़र लग गई हो आपकी ब्रेस्ट को भी नज़र लग सकती है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क जो गिर रहा है उसको भी नज़र लग सकती है, या फिर बच्चा अगर दूध पी रहा है उस समय भी बहुत से लोगों की नज़र लग जाती है। उसमें आपको यही करना है कि फर्स्ट तो आपको नज़र उतार करके लेनी है, अगर आपको आराम हो जाता है, रिलीफ हो जाता है, फिर से आपका दूध आना स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ी सावधानी यहाँ पर ये करनी है कि अपने हस्बैंड के सिवा आप और किसी से भी इस बात की चर्चा न करें। मैं ऐसा नहीं करें, लोग बुरे होते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि कुछ न कुछ हो जाता है। तो ये करके लेना है कि आपको पहले नज़र उतार करके लेनी है, अगर नज़र उतारने से भी आपको रिलीफ नहीं हो रही है तो एकदम ग्रीन नींबू लीजिए या फिर एक नारियल लीजिए। नारियल आपको महंगा पड़ जाएगा, 20-25 रुपए से नीचे में नहीं आएगा,
लेकिन नींबू जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप नींबू हरा ले लीजिए 7 बजे शाम के समय में, पूरे ब्रेस्ट के ऊपर से इस तरह से 7 टाइम घुमा लीजिए क्लॉकवाइज, और उसको ले जा कर के आप किसी कचरे के डब्बे में बाहर, घर से बाहर ही करना है आपको, घर के अंदर नहीं करना, उसे फेंक देना है। किस तरह से करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने तैयार किया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके उसे देखिए, आपको हेल्प होगी। आई होप कि अगर आपको डिलीवरी के बाद में पहले से दूध आपके ब्रेस्ट में था और अब दूध आना बंद हो गया, आप बच्चे को किसी कारणवश ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाई हैं, तो आपको क्या क्या करना है ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनके भी शादी हुई है या फिर जो भी प्रेग्नेंट हुई हैं उन्हें इन बातों की जानकारी रहे, क्योंकि ऐसी समस्याएं जो छोटी छोटी होती हैं वो बेवजह हो जाती हैं और हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता है, बिना मतलब में हम लोग परेशान हो जाते हैं, कि अगर जानकारी रहेगी तो समय रहते आप उसका समाधान कर सकेंगे। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।